पेमेंट अगर नहीं होती है तो आपको पर डे 142 रुपए की पेनल्टी लगती है और साथ में आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी इम्पैक्ट होता है मैम। और आप ये बात कैसे बोल रही है मैम कि आप पेमेंट नहीं किया तो इसका क्या मतलब होता है? नहीं, अगर रिपेमेंट नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे ये जानना चाह रही हूँ। कंपनी का जो प्रोसेस है वो कंपनी करेगी मैम। ठीक है, और आप करेंगे क्यों नहीं? आपने जब लोन लिया है तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी, सही से ही नहीं है। 3 रुपीज 70 पैसे का हो चुका है। हेलो, बताएंगे पेमेंट कितनी हुई आपकी? आपको क्या करना है? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। मैंने ये पूछा मैम, पेमेंट क्यों नहीं जमा करवाई कल के डेट में आपने? आपकी एप्लीकेशन तो बंद हो चुकी है ना मैम। मेंटेनेंस के लिए आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से यहाँ पे हटा हुआ है। आपने जब लोन लिया था तो एप्लीकेशन तो डाउनलोड किया होगा, वो तो मोबाइल में होगा ही ना आपका? नहीं नहीं, डिलीट हो गया है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी तो नहीं। अच्छा ठीक है, सारी एप्लीकेशन तो बंद हो चुकी है ना मैम? सारी एप्लीकेशन बंद नहीं हुई है, जो लीगल एप्लीकेशन है वो मेंटेनेंस के लिए हटी हुई है प्ले स्टोर से, एक आध दिन में आपकी वापस आ जाएंगी। ठीक है, और आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है निकिता जी? जी। हम अपने सीनियर से बोलकर आपको आपके पास अपने व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन का लिंक और हेलो जी बस एक लिंक गया है आपके पास, आया है व्हाट्सएप पे? नहीं नहीं, मेरे पास कोई लिंक नहीं आया है। हेलो हेलो, आपके पास कोई लिंक नहीं गया है? ठीक है, मैं अपने सीनियर से बोलती हूँ तो वो आपको लिंक शेयर करते हैं, आप उसको डाउनलोड करके आप उसको पेमेंट करें। ठीक है निकिता जी, पेमेंट नहीं किया तो कितनी देर में हो जाएगी पेमेंट? रिपेमेंट नहीं किया तो पेमेंट अगर नहीं होती है तो आपको पर डे 142 रुपए की पेनल्टी लगती है और साथ में आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी इम्पैक्ट होता है मैम। और आप ये बात कैसे बोल रही है मैम कि आप पेमेंट नहीं किया तो इसका क्या मतलब होता है? नहीं, अगर रिपेमेंट नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे ये जानना चाह रही हूँ। कंपनी का जो प्रोसेस है वो कंपनी करेगी मैम। ठीक है, और आप करेंगे क्यों नहीं? आपने जब लोन लिया है तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी, सही से ही नहीं है। क्या सही नहीं है मैम? आप लेकर आप ये बोल रही हैं पेमेंट नहीं किया तो क्या ये सही है? अब पैसे नहीं, आप बताए ना, क्या ये सही बात बोल रही हैं आप? जब पैसे आएंगे तब कर देंगे हम। तो मैम क्या सोच के लोन लिया था आपने? नहीं नहीं, क्या सोच के लोन लिया था आपने? नहीं देखिए, रिपेमेंट होगा ना लोन लेने से पहले कुछ, जब अगर पैसे आएंगे तो मैं रिपेमेंट कर दूंगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो जब आपने लोन लिया था तो ये तो सोचा होगा ना कि मैंने 21 दिनों के लिए लोन लिया है तो 21वें दिन के ड्यू डेट पे मुझे पेमेंट करनी है, सोचा होगा ना मैम? तो हमारे पास अगर नहीं है आपके पास पूरा पेमेंट, मेरी बात सुने मैम, अगर आपके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो जो आपका एक्सटेंशन अमाउंट है 2031.30 रुपए का, इसे पे कराइए और 21वें दिन के ड्यू डेट पर लोन क्लोज करवाइए 6119.70 रुपए देकर। ठीक है, देखिए जब पैसे आएंगे तो दोनों में से एक पेमेंट आप कराइए। तो मैम इस रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपकी फाइल यहाँ पे सीनियर डिपार्टमेंट को सेंड करूंगी, जहाँ से कंपनी अगर किसी भी तरह का करेक्शन एक्टिविटी करेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। देखिए मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि मेरे पास जब पैसे मैं आपको रिपेमेंट पैसे आएंगे तो मैं नहीं मैम, हम आपको टाइम नहीं दे सकते ना, आपने जब आएंगे कहाँ से आएंगे मैम आपके पास पैसे? आपने सोच समझ के लोन लिया होगा ना, अगर नहीं है पेमेंट तो अपने फैमिली मेंबर से अरेंज कीजिए या किसी फ्रेंड कलीग से अरेंज कीजिए आप। ठीक है, अगर आते हैं ऐसे थोड़ी होता है मैं लोन ले ली हूँ, मेरे पास जब पैसे आएंगे तब। मैम आप आज पेमेंट करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं अब आज की आज। ठीक है, तो मैं ये फाइल क्लोज करती हूँ। कंपनी अगर मेरी बात सुनिए, मैं अब आपकी फाइल क्लोज करके सीनियर डिपार्टमेंट को भेज रही हूँ, जहाँ से कंपनी अगर कलेक्शन एक्टिविटी करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम।